तो गाइस यार ये रियाज की वीडियो को शाउट आउट, अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना। सो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? होप सो आप मजे में होंगे। सो गाइस यार आज हम खेलने जा रहे हैं क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग, और गाइस आज मैं आपको क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग में टेक्नो गेमर का लेटेस्ट कैसल देने वाला हूँ। इसमें गाइस आपको उनका लेटेस्ट स्टैच्यू और जो गोल्डन मैंसन में उन्होंने चेंजेस किया था वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और गाइस अगर आपको आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी खराब लग रही है तो गाइस यार मैं बता दूं कि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है 2 दिन से। तो तो गाइस यार थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार, 1-2 दिन में तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर वीडियोज और अच्छी बनेंगी। तो गाइस यार अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, हम लोग 20K के बहुत ज़्यादा क्लोज है। और गाइस जल्दी से यार लाइक बटन भी दबा देना यार, क्योंकि यार लाइक करोगे तो मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को, इसलिए लाइक कर देना जरूर। तो गाइस यार चलो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करा देता हूँ पूरे कैसल का, कि क्या क्या चेंजिंग हुआ है, उसके बाद मैं आपको यार बता दूंगा आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो और अपने क्राफ्टिंग बिल्डिंग में ला सकते हो। तो गाइस यार मैं उनके कैसल में आ चुका हूँ, और गाइस इन सब में तो कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है, ज़्यादातर चेंज उन्होंने गोल्डन मैंसन में किया है। और गाइस अपना स्टैचू बनाया नया वाला, और गाइस इसको ऊपर से कवर कर दिया। लास्ट वाले बार जब मैंने आपको दिया था इनका कैसल तो यार ऊपर से कवर नहीं था, अब ऊपर से कवर हो चुका, तो गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो गाइस यार मैं उनके कैसल में आ चुका हूँ, और गाइस इनके कैसल में आके यार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यार इतना सुंदर इन्होंने बनाए हैं कि यार देख के मजा आ जाता है। तो गाइस यार लास्ट बार मैंने आपको दिखाया था कि उन्होंने ये वाला रूम भी बनाया था, तो गाइस अभी तक इसमें कुछ उन्होंने रखा नहीं है, बस ऐसे ही खाली रूम है अभी तक, पता नहीं क्यों नहीं रखा और क्यों बनाया है यार वही जानेंगे, मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में। और गाइस पीछे वाला एरिया में तो मेरे को यार कुछ चेंजिंग नहीं दिख रहा है, सब चीज़ वैसा का वैसा ही है। तो गाइस यार चलो हम लोग अब चलते हैं गोल्डन मेंशन में, वहां देखते हैं क्या क्या चीज चेंज हुआ है। और गाइस यहाँ पे उनका कैट या छत पर क्यों घूम रही है, बैठी हुई है यहाँ पे, चलो इसको वापस से बैठा दे रहे हैं, बाकी छेड़छाड़ हम लोग कुछ नहीं करते हैं, चलते हैं गोल्डन मेंशन में। तो गाइस यार लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उनका गोल्डन मेंशन कौन सी साइड है, तो गाइस वो विलेज के जस्ट बगल में बनाए थे। तो गाइस ये रहा उनका गोल्डन मेंशन, और गाइस जस्ट पीछे उन्होंने बनाया है अपना स्टेच्यू। तो गाइस यार आपको स्टेच्यू भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा यहाँ पे। तो गाइस चलो हम लोग गोल्डन मेंशन पहले चलते हैं और उसको देखते हैं कि क्या क्या चीज उसमें चेंजिंग हुआ है। गाइस बस थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, बस उन्होंने एक बालकनी बना दिया जिससे उनका स्टैचू क्लियर दिखे, क्लियरली यहाँ से उनको मस्त व्यू पूरा है। तो गाइस यार मैं आपको वो वाला बालकनी दिखा दे रहा हूँ, तो गाइस ये है वो बालकनी, यहाँ से वो पूरा अपना स्टैचू को देखते हैं। और गाइस मस्त उन्होंने बनाया है पूरा, बहुत ज़्यादा सही लगता है यहाँ से देखने में इनका स्टैचू, अब भी यहाँ से देखो यार कितना सही लग रहा है यहाँ पे। और गाइस बड़ा सा स्टैचू है, तो गाइस बहुत ज़्यादा ओपी लग रहा है। गाइस मैं भी सोच रहा हूँ कि अपने वर्ल्ड में मैं अपना ऐसा स्टैचू बनाऊंगा, लेकिन यार इतना मेहनत, यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगता होगा ये बनाने में, इतना बड़ा उन्होंने बनाया है कि यार मैं क्या ही बना पाऊंगा। तो गाइस आप देख लो एकदम डिट्टो उनका वाला एकदम स्टैचू है, हर एक चीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा जो उनका स्किन में रहता है, आप लोग देख ही रहे हो कि हर एक चीज़ इसमें है। और गाइस बहुत ज़्यादा ओपी है, तो गाइस अगर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपने क्राफ्टिंग बिल्डिंग में ला सकते हो, सिंपली आपको चले जाना डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा उसको आप डाउनलोड कर लेना। तो गाइस आप प्ले स्टोर से ZArchiver डाउनलोड कर लेना, उसके बाद डाउनलोड फोल्डर में जाकर अपना फाइल खोज लेना, फिर आप उसमें वन टैप करोगे तो एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आएगा, आप एक्सट्रैक्ट कर देना। और गाइस पासवर्ड आप लोग देख लो, पासवर्ड मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, पासवर्ड है स्टैच्यू। तो गाइस आप सही से पहले ही लिखना और ओके पर क्लिक कर देना, आपका यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। फिर गाइस आप सबसे ऊपर चले जाना, आपका एक फाइल क्रिएट हो जाएगा, उस पर आपको होल्ड कर रहना है तो कट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद गाइस आप डिवाइस मेमोरी में चले जाना, सी फोल्डर में जाना, ए में, उसके बाद टी फोल्डर में, फिर V1 लेवलिंग फोल्डर में, उसके बाद गाइस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड नाम का फोल्डर मिलेगा, उसमें जाके आप सिंपली इसको पेस्ट कर देना। अगर गाइस आपके पास ऑलरेडी टेक्नोगेमर का पुराना वाला कैसल होगा तो गाइस यार आप यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करके और गाइस रिप्लेस पे क्लिक कर देना, आपका ये वाला वर्ल्ड आ जाएगा। तो हाँ गाइस आज वाली वीडियो के लिए बस इतना ही, होप सब की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यार गाइस प्लीज यार 20K करा दो यार, हम लोग 20K के बहुत ज्यादा क्लोज है, अगर आप लोग 20K करा दोगे तो यार बहुत ज्यादा खुशी होगी। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।